देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी, तीव्रता यानी कितना तेज है, तीव्रता यानी कितना तेज है। अब वो तेज कैसे निकालेंगे कि एकांक आवेश पर कितना बल लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे आवेश है, ये लो ये लो ये लो ये लो, बहुत सारे आवेशों का एक झुंड बना दिया मैंने। ठीक है, अब इनमें से कोई भी एक आवेश ले लो, ये आवेश ले लिया मैंने, एकांक आवेश के ऊपर जितना बल लग रहा है उसी को अपन कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये एक एकांक आवेश है। ठीक है, एक एक आवेश, एकांक मतलब एक आवेश पर कितना बल लग रहा है, समझ में आया नहीं आ रहा, बहुत ईजी है ना। तो क्या लिखेंगे, एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। है जी, बहुत ईजी है, फॉर्मूला निकालो सर, बिल्कुल निकाल देते हैं। ई वेक्टर से दिखाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, ध्यान रखना। अब एकांक आवेश के ऊपर लग रहा है, इसको एकांक आवेश को मान, मैंने मान लिया क्यू नोट, इसके ऊपर लग रहा है इसलिए एफ ऊपर लिखा। ये भी याद रखने की ट्रिक कि एकांक आवेश के ऊपर लग रहा है बल ना, इसके ऊपर आ रहा है बैठ रहा है इसलिए इसके ऊपर लगा दिया, तो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये आपके निकल के आ गया। एग्जाम में पूछते हैं इसका मात्रक लिखिए, बिल्कुल लिख लेते हैं सर, कैसे निकालेंगे, बल का मात्रक न्यूटन, इसको कैपिटल एन से दिखा दो, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम इसका क्या हो गया सर, मात्रक हो गया। एग्जाम में इसके विमा निकालना आता है, बहुत ही शानदार है विमा, देखो सीखना मेरे साथ। एफ क्या है, एफ इक्वल टू एम ए, समझा आपने न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, क्यू आवेश क्या होता है, आप आगे जाके पढ़ोगे आई इक्वल टू क्यू बटा टी, आगे जाके पढ़ोगे विद्युत धारा जो होती है क्यू बटा टी होती है, तो यहां से क्यू बराबर आई इंटू टी, तो यह आई इंटू टी लिख लीजिए। ठीक है, अब मास द्रव्यमान को कैपिटल एम से दिखाते, इलेवंथ क्लास याद करो, ए क्या है, दूरी बटा समय का स्क्वायर, यानी दूरी, दूरी को क्या लिखेंगे एल से, समय के स्क्वायर को टी स्क्वायर, नीचे आ जाओ आई करंट इसको एम्पियर ए से लिखेंगे, टी समय इसको कैपिटल टी से लिखो। अब एम एल टी की फॉर्म में इसको लिखना है, एम ऊपर है कुछ भी नहीं है, वन लगा दो सबका मालिक एक, एल कुछ भी नहीं है सबका मालिक एक, टी ध्यान रखना सर दो यहां नीचे है एक नीचे और यह रहा, तो टी तीन, टी की पावर थ्री नीचे ऊपर जाएगी, टी की पावर माइनस थ्री, ए भी नीचे है सर इसको भी ऊपर भेजो, हमेशा ऊपर भेजना जरूरी होता है विमा निकालते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया आप इसका मात्रक, विमा हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं, एम वो माइनस थ्री लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपके इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, या इसका फॉर्मूला, ये इसकी विमा, ये तीन चीजें पूछते हैं, आगे जाके इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना शेयर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।